ऑटो एक्सपो 2020 में मारुति सुजुकी ने इस कार को लॉन्च किया था और अब जाकर हमें इग्निस फेसलिफ्ट चलाने का मौका मिला है। मारुति भले ही इस कार को कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी बोलती हो, लेकिन असल में ये एक हैचबैक है। तो चलिए आपको बताते हैं मारुति सुजुकी इग्निस में हुए बदलावों के बारे में। मारुति सुजुकी औसतन हर महीने इग्निस की 1100 यूनिट बेचती है। जुलाई और अगस्त 2020 में इस बिक्री में उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इन दो महीनों में बिक्री इस साल 55% और 147% बढ़ गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद निजी वाहनों की मांग में तेजी देखने को मिली है और इग्निस की बिक्री बढ़ने की भी ये एक वजह है। अगर आप चेंजेस की बात करें डिज़ाइन में इग्निस फेसलिफ्ट के, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह बदल दिया गया है। अब इसमें आपको दिख रहे हैं कि जो क्रोम के चौकोर ब्लॉक्स दिए गए हैं, जो कि एस्प्रेसो से समान है। आगे और पीछे का जो बम्पर है वो भी नया है, डिज़ाइन नया है। और ये जो चंकी सिल्वर स्किड प्लेट है वो एक मस्कुलर अपील देता है, मस्कुलर लुक देता है गाड़ी को। अच्छी बात यह है कि इग्निस देखने में हमेशा बढ़िया रही है और फेसलिफ्ट मॉडल के साथ भी यही लुक बरकरार है। कुल मिलाकर पिछले मॉडल के मुकाबले दिखने में कार और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। जैसे ही आप इग्निस के कैबिन के अंदर बैठेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि जो डैशबोर्ड का लेआउट है, जो मटेरियल्स है, फिट एंड फिनिश है, सब कुछ बिल्कुल पहले समान है। कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं है और ये एक अच्छी बात है, ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। कैबिन एक अच्छा माहौल बनाता है। और अगर आप स्पेस की बात करें, कितनी जगह है गाड़ी में, तो इग्निस एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है, जी हाँ, लेकिन स्पेस का जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा है। अगर चार एडल्ट्स, चार लोग भी बैठते हैं गाड़ी में, तो उन्हें क्रैम्प्ड फील नहीं होगा। इग्निस के जीटा और अल्फा वेरिएंट्स में सुजुकी के स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 7 इंच की टच स्क्रीन मिली है और यह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसके अलावा आपको ऑक्स और यूएसबी पॉइंट दिए गए हैं। कार के सिग्मा वेरिएंट में ऑडियो प्लेयर नहीं दिया गया है, वहीं डेल्टा ट्रिम में ऑडियो प्लेयर के साथ सीडी, यूएसबी और ऑक्स पोर्ट्स दिए गए हैं। कार के सभी वेरिएंट्स को 2 एयरबैग के साथ एंटी लॉक ब्रेक्स दिए गए हैं। वहीं टॉप मॉडल अल्फा के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और गाइडिंग लाइंस भी हैं। इग्निस में 260 लीटर का बूट स्पेस है, जो छोटी यात्रा के लिए काफी है। कंपनी ने इस फेसलिफ्ट के साथ पहले जैसा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है, जो BS6 मानकों वाला है। ये 6000 RPM पर 82 BHP और 4200 RPM पर 113 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। मारुति सुजुकी का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल में इग्निस के मैनुअल और ऑटोमेटिक मॉडल 20.89 किलोमीटर चलते हैं, जो आंकड़ा बिल्कुल BS4 मॉडल जैसा है। हमने जो कार चलाई उसके साथ AGS गेयरबॉक्स दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं कि चलने में कैसी है ये कार। इग्निस फेसलिफ्ट का जो ड्राइविंग अनुभव है बिल्कुल पहले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। जो इंजन है उसमें अभी भी काफ़ी जान है, खास करके मिड रेंज में, जिससे कि अगर आप इस गाड़ी को शहर में चलाएं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी आरामदायक हो जाता है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी शार्प है, काफ़ी क्रिस्प है। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे ले जाने की बात करें, तो इग्निस के साथ आप हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे पूरे दिन क्रूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मारुति सुजुकी इस कार के साथ दिए AMT गेयरबॉक्स को AGS बुलाती है, जो शहरी सड़कों के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर आप हाईवे पर कार चला रहे हैं तो ओवरटेक करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। कार की राइड क्वालिटी पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा उछाल महसूस होता है।
इसके अलावा स्टीयरिंग पहले जैसी ही है। इग्निस फेसलिफ्ट की कीमतें शुरू होती है 4,89,000 रुपये से और जाती है 7,20,000 रुपये तक। आपको कुल 7 वेरिएंट्स मिलेंगे इग्निस फेसलिफ्ट के, और अगर इसके राइवल्स, इसके प्रतिद्वंदियों की बात करें तो वो है ह्यूंडई ग्रैंड आइटन नियोस, फोर्ड फीगो, और इसका एक बड़ा भाई भी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सारी बहुत ही केपेबल गाड़ियाँ हैं। अगर आप एक यंग फैमिली ऑफ फोर है, अगर आप 4 जनों का परिवार है, तो इग्निस जो है बिल्कुल फिट बैठता है आपके पर्पज़ के लिए, आपके इस्तेमाल के लिए। और इसका जो स्टाइलिंग है क्वर्की सा है, लेकिन काफ़ी लाइकेबल है, अडोरेबल है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, इसमें कई सारे फीचर्स भी है, एक छोटे फैमिली के लिए बिल्कुल उपयुक्त गाड़ी है। मुकाबले की बात करें तो ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस पेट्रोल की शुरुआती कीमत 5,13,000 रुपये है, जो टॉप मॉडल टर्बो वेरिएंट के लिए 7,81,000 रुपये तक जाती है। इसके एस्टा एएमटी पेट्रोल टॉप मॉडल की कीमत 7,75,000 रुपये रखी गई है। फोर्ड फीगो पेट्रोल की शुरुआती कीमत 5,49,000 रुपये है, तो 7,05,000 रुपये तक जाती है। और अंत में स्विफ्ट की शुरुआती कीमत है 5,19,000 रुपये, जो टॉप मॉडल के लिए 8,02,000 रुपये तक जाती है। ऐसे में इग्निस इन सभी कारों से सस्ती है।